दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर दो में प्रवेश करेंगे। सीपी दो एवं सीपी तीन का तापमान उल्टे हाथ से छूकर चेक करना है, यह सामान्य होना चाहिए। साथ ही सीपी दो एवं सीपी तीन से कहीं से भी तेल का लीकेज नहीं होना चाहिए। बीएमटी वन के चलने की भी जांच करना है। ट्रांसफार्मर, आयल पंप व उसके आसपास किसी प्रकार का तेल लीकेज नहीं होना चाहिए। VRH के रेडिएटर के पास हवा का खिंचाव महसूस करके VRH के काम की जांच सुनिश्चित करना है। ट्रांसफार्मर का तेल लेबल मिनिमम मार्क के नीचे नहीं होना चाहिए एवं उसमें कोई लीकेज या बुलबुला नहीं होना चाहिए। A33 बुशिंग का सही होना एवं उससे आयल लीकेज नहीं होना चाहिए। RGR का रेड हार्ट न होना एवं CGR 1, 2 एवं 3 का आर्क सूट सही लगा होना चाहिए। VSL2 के चलने की जांच भी सुनिश्चित करना है। CTF3 का हैंडल ट्रैक्शन साइड ऊपर की तरफ होना तथा C145 का आर्क सूट सही लगा होना चाहिए। MBMT2 का तापमान उल्टे हाथ से छूकर सामान्य होना सुनिश्चित करना है। न्यूमेटिक पैनल के पास कोई एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। अब कैब दो में प्रवेश करके स्विच बोर्ड पर लगे JWBA स्विच को दबाकर बैटरी वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक होना देखना है। कैब दो में लगे सभी प्रेशर गेज, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर एवं स्पीडोमीटर की रीडिंग नोट करना है। कैब दो में लगे कॉन्टेक्टर पैनल का दरवाज़ा खोलकर सभी कॉन्टेक्टर की जांच करना है। किसी भी प्रकार का धुआं, बदबू या अन्य कोई असामान्यता नहीं होनी चाहिए। ALP साइड लगे रिले पैनल पर सभी सेफ्टी रिले के टारगेट की जांच करना है। कोई भी टारगेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। कैब दो से कॉरिडोर वन में प्रवेश करके C118 एवं R118 की जांच करना है। C118 का खुला होना एवं R118 का सामान्य होना देखना है। बैटरी चार्जर का करंट 2 से 7 एम्पियर के बीच होना चाहिए। BMT2 का चलना भी सुनिश्चित करना है। आर्नो को हाथ से छूकर तापमान सामान्य होना सुनिश्चित करें। RSI-2 के ट्रिगर फ्यूज़ की जांच करना है। कोई मेल्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही VSI के हवा की भी जांच करना है। जिन लोगों में टेल फ्यूज़ के स्थान पर LED लैंप लगे हैं सभी बुझे होने चाहिए। GRIL प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। सिलिका जल कंटेनर में लगे सिलिका जल का कलर नीला होना चाहिए। रिवर्सर J2 का हैंडल कैब के अनुसार होना, CTF2 का ट्रैक्शन साइड ऊपर होना, सभी लाइन कॉन्टेक्टर के आर्क सूट लगे होने चाहिए। बुशिंग A34 कैपिटल A0
स्मॉल ए जीरो, ए वन, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स के टर्मिनल से कोई आयल लीकेज या टर्मिनल रेड हॉट नहीं होना चाहिए। शंटिंग कॉन्टैक्टर के आर्क सूट सही लगे होने चाहिए। रिवर्सर J1 का हैंडल कैब के अनुसार CTF1 ट्रैक्शन साइड तथा सभी लाइन कॉन्टैक्टर के आर्क सूट लगे होने चाहिए। VSL1 का चलना भी देखना है। RSI1 के ट्रिगर फ्यूज का सही होना एवं VSI1 के हवा की जांच भी करना है। MBMT1 का तापमान हाथ से छूकर देखना है, यह सामान्य होना चाहिए। CP1 का तापमान ठीक होना एवं CP1 से तेल का लीकेज नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा खोलकर कैब वन में प्रवेश करके लोको पायलट को जांच से संबंधित पूरी जानकारी दें।